नहाने में आ गए, चिल्लाने में आ गए, लड़ने में आ गए, हर चीज में आ गए। तो आज अभी हम जाएंगे नहाएंगे वहाँ पे, क्योंकि पानी है। नहीं भाई, वीडियो अपलोड भी करनी है मैंने। जी करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। आज है जी संडे, और संडे को देखो आराम से उठा हुआ। टाइम हो रहा है सुबह के 10, और मौसम आज कुछ खास नहीं है, धूप नहीं है, ऐसे ही है थोड़ा ठंडा ठंडा। तो मैं सुबह सुबह उठ के जा कहाँ रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ झाड़ू लेने। साथ में हमारे पास में एक दुकान है, तो उनको मैंने फ़ोन करके पूछा, वो कहते हैं हाँ झाड़ू है हमारे पास। तो हमारा झाड़ू ना बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो सोचा एक झाड़ू ले आते हैं, क्योंकि संडे की शुरुआत तो सफाई से ही होती है। तो अभी चलता हूँ झाड़ू लेने। उसके बाद रात को काफ़ी लेट हो गए थे पहुंचने में, और इसलिए नींद भी, लेकिन नहीं इतना खास भी नहीं, 9:30 बजे नींद खुल गई थी, तो खास इतना लेट भी नहीं बोल सकते। तो अभी प्लान वगैरह बनाना है संडे कहाँ स्पेंड करेंगे। पक्का कहीं ना कहीं तो जाएंगे, क्योंकि गाड़ी का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो मैं लेके आता हूँ झाड़ू, उसके बाद करते हैं सफाई। तो संडे की करते हैं शुरुआत और बनाते हैं व्लॉग। तो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट, बट उससे पहले हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं द मैग्नेटिक स्टूडियो और देख रहे हैं मेरा न्यू ब्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट। तो जी ये ले आया मैं एक झाड़ू, और साथ में लाया हूं एक ताला। क्यों? क्योंकि कल रात को पता नहीं क्या हुआ, मैं जब रूम में आया देखा तो मेरे पॉकेट में मेरे रूम की चाबी नहीं थी। फिर रात को पत्थर ढूंढा और तोड़ना पड़ा ताला, क्योंकि और कोई इलाज था नहीं। मैंने बड़ी ढूंढी सबके रूम में, प्रोफेसर के रूम वगैरह में, कहीं भी नहीं मिली। तो वो कहीं गुम हो गई, पता नहीं कैसे, पी रखी थी बड़ी इसलिए गुम हो गई होगी। तो इसलिए एक ताला लाना पड़ा। तो अभी चलते हैं और सफाई करते हैं स्टार्ट। सफाई वगैरह करके नहा धो के मैं हो गया रेडी, और अब टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। ब्रेकफास्ट आज थोड़ा स्पेशल है। आज है जी इडली, सांभर था बट मैंने बुलाया नहीं, मैंने लाई चटनी। तो करते हैं ब्रेकफास्ट स्टार्ट। कर लेना। सो आप दोनों जा रहे हैं? बनी है इडली बहुत ही से। तो मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट, आप देखते रहो। मेरा क्या हुआ था बताओ मुझे। देख डांट रहे हैं, डांट रहे हैं। मेरे वजह से क्या हुआ पहले? देखो डांट रहे हैं, डांट रहे हैं। नहीं पहले मुझे क्या हुआ बताओ, पहले आपको क्या हुआ था? मेरे वजह से पहले आपका सुबह कैसे लेट रहा हूं? मैंने क्या किया था? मैंने क्या किया था? सुबह सुबह चले आप लोग, ये लेने चलो ना वो लेने चलो। तो यार वो चीज मेरा कमी था और क्या आपकी। तो भाई ये किस वजह से लड़ रहे हैं पता है? और रीजन बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि हम सारे तैयार हो गए हैं और परिहार सर अकेले हैं जो अभी तक तैयार नहीं हुए। ठीक है, तो भाई अब होके आ गए हैं सारे भाई। सारे एक बार हेलो बोल दो, सामूहिक हेलो। हेलो और ये अपने शोम सर। ठीक है, तो अब निकल रहे हैं, जाना कहाँ पे? ये तो आप चल रहे हैं यार, आगे गाइड आगे बैठे हो गाड़ी में आगे, अब डिसाइड करेंगे कि जाना कहाँ। चल रहे हैं या कहाँ? कार की तरफ ही ले लो पहले। अभी भाई मूवी कितने बजे का है, कौन सी मूवी है? 4:30 बजे। चलो मूवी का बाद में करते हैं पता, पहले हम चलते हैं कारूबली साइड। ठीक है, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे ना डबल हंप वाले कल वो मैंने देखे थे कि कोई ऊंट देखे मैंने, कोई गया हुआ था। वो बड़ी अच्छी सी जगह है, तो वहाँ पे अच्छी अच्छी सीनरीज भी है, तो वहाँ निकलते हैं। ठीक है, देखना सुबह हुई शोर डालना शुरू, तो आप देखते रहो और सुनते रहो इनका शोर। तो जी कारू के रास्ते में जाते समय हमको पूरे रास्ते कोल्ड ड्रिंक कहीं नहीं मिली, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक अभी आ नहीं रही है, तो रियल जूस मिला है, तो रियल जूस ही पी रहे हैं सारे। हेडफोन कहाँ के? वो देखो यार, हेडफोन लेके आए। तो हम चल रहे हैं रियल जूस पीते पीते। इसकी चार है, आप देखते रहो। तो ये है जी कारू,
छोटी सी सिटी है, ज्यादा मार्केट भी नहीं है, और ये सीधा रोड जो गया ये किसी कैंट एरिया को जाएगा, और जो नीचे जा रहा है वो जा रहा है मनाली। तो अभी मैं बाहर उतरा था, किसी को पूछा एक शॉप पे, उन्होंने कहा कि हेमिस मोनेस्ट्री है, काफी फेमस है, तो वहाँ पे चलते हैं, वो इधर ही है सामने, तो चलते हैं हेमिस मोनेस्ट्री। इस तरफ नदी, पानी कितना ठंडा लग रहा है। ये मैं इन बंदों को बोल रहा हूँ, मैं इनको बोल रहा हूँ कि नहाते हैं चल के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। मेरे को अकेले को क्यों देना भाई, भाई साहब कैसे नहा ले आप बताओ यार, ट्राई तो मार सकते हैं यार, क्या जा रहा है, कुछ नहीं होता। बड़ा खूबसूरत ब्रिज है, वाह भाई कितनी बोरी हो रखी है, ये देखो ब्रिज और ये नीचे है नदी। तो जी यहाँ से स्टार्ट होता है आपका गेट हेमिस मोनेस्ट्री का, आई गेस यही है। और हेमिस मोनेस्ट्री पता कौन सी होगी, वो जो ऊपर दिख रही है ना छोटी सी, वो ऐसा ऊपर देखो जी, बर्फ से भरे हुए पहाड़, ये है मोनेस्ट्री और ये है पार्किंग, गाड़ियां बाइकें, और ये अपनी गाड़ी और ये अपने बंदे है। देखो केड़ा गाना चल रहा है, गाना कौन सा, आश्रम 3 का। और यहाँ पे पता है अच्छा गाना है यार, नाइस। एक चीज क्या हुई पता है, रास्ते में हमारी 4x4 गाड़ी थी, लेकिन वो भी एक नंबर पे चल रही है यार, मतलब फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अभी चलते हैं ऊपर, आप देखते रहो, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं बंदे। तो जी ये मिला हमको प्रसाद अंदर से, और ये अपने बंदे देख रहे हैं, किस किस को देख रहे हो। तो जी यहाँ पे हैं दो मेन टेंपल, एक ये बुद्धा टेंपल और वो है मेन टेंपल, बट अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है किसी भी टेंपल में, तो इसलिए अंदर शूट नहीं कर पाया। बड़ी सही सही चीज़ें हैं बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड, और एक चीज़ मेरे को बड़ी सही लगी, या क्या, एक चीज़ बड़ी सही लगी अंदर, जैसे वो मंदिर है ना उधर अंदर था, कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, पाप पुण्य काला ब्लैक हर चीज़ बड़ी सही दिखाया था, कि वो अग्नि पानी वगैरह हर चीज़ बड़ी सही बनाई हुई थी, बट शूट नहीं करने दे रहे थे अंदर, तो इसलिए, लेकिन बड़ी सही चीज़ें थी बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड, और भी बड़ी चीज़ें थी। तो अभी यहाँ थोड़ी देर घूमेंगे, यहाँ फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, उसके बाद चलते हैं कोई नई जगह। देखो भाई यहाँ से खूबसूरत व्यू मोनेस्ट्री के बाहर, वो बर्फीले पहाड़ तो उधर भी हैं ये, और ये एंट्री था, अब हम निकल लिया एग्जिट, ये नीचे भी पड़ी हुई है, ये देखना हमारे ये संजय सर, इनके उल्टे काम ही होते, देखना इसके ऊपर फोटो खिंचवाना है। तो अब मैं इनको बोल रहा हूँ नदी में हमने नहाना जरूर है, पर यार सर नहाना नहीं, नहाना ना, नहाएंगे यार, मुश्किल है, ठंडा है भाई, हाँ लेकिन कोशिश करेंगे। तो जी निकल रहे हैं वापस, चलते हैं यहाँ से। अब रास्ते में भाई मेरा तो बहुत मन है जो नीचे ठंडा ठंडा पानी है नहाने का, बट इनमें से एक भी नहीं मान रहा यार, कोई नहीं नहाने के लिए रेडी, क्या बंदे हैं। हाँ ये देखो हरियाणा वाले, ये है ना बात, हरियाणा वाले हर चीज में आ गए, नहाने में आ गए, चिल्लाने में आ गए, लड़ने में आ गए, हर चीज में आ गए। तो आज अभी हम जाएंगे नहाएंगे वहाँ पे, क्योंकि पानी नहीं भाई, वीडियो अपलोड भी करनी है मैंने, ठीक है, तो हम चलते हैं नहाने, आप देखते रहो। तो ये है भाई ब्रिज, वहां पे लगा दी हमने गाड़ी उधर पीछे, और यहाँ से पैदल आ गए। ये देखो रिवर भाई, पूरी ग्रीन, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है, बट शायद ये इंडस रिवर ही है, पर हर सर बोल रहे हैं इंडस है, तो इनको यहाँ का ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये बहुत रहे हैं यहाँ पे, तो इंडस ही बोल रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे नहाएगा कौन कौन, कौन कौन नहाएगा, विकास सर नहाओगे ना क्या, नहीं हिंदी में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, नहाने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, तो विकास सर रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा है, बहुत टाइम हो गया ऐसे पानी में नहाए हुए, तो हम नहाते हैं, आप देखते रहो। तो भाई नहाने का तो आ गया मजा, विकास सर नहाने का मजा आया भाई, नहाने का मजा आ गया, लेकिन ये बंदे कोई नहीं नहाए, ये क्या, ये देखो ये पत्थर मार रहे हैं, ये देखो अब इनको भी दिख गया, तो ये कर रहे हैं ये वाले काम, तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज, ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ से, अभी खाना भी खाना है और मूवी भी देखनी है, आप देखते रहो, लेकिन नहा के मजा आ गया भगवान की कसम, माइनस टेम्परेचर में ठंडा ठंडा पानी, क्या देख रहे हैं
हमारी गाड़ी थोड़ी सी ना स्मेल कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक नंबर गियर पे ही गाड़ी चल रही थी। सोचो 4x4 भी एक नंबर पे चल रही थी तो बाकियों का क्या हाल होगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ी देर रखी है ये खुली, ताकि थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। देखो पूरा इलाका कितना सुनसान है, पूरा सुनसान। ले में सुनसान ही सुनसान है। सीधे रोड मिलेंगे, बिल्कुल खाली रोड मिलेंगे। तो यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, तब तक गाड़ी हो जाएगी हमारी ठंडी। तो जी ये पहुंच गए हम चोगलम सर, और पहले हमारा डिसाइड था कि हम लंच करेंगे चोगलम सर में और उसके बाद जाएंगे मूवी। मूवी आज हम कहाँ जा रहे हैं? जो छोटू महाराज थिएटर नहीं था, एक पहले मूवी देखी थी वहाँ हमने। कौन सी देखी थी पहले? योद्धा मूवी देखी थी। तो वहाँ पे जा रहे हैं आज, मेरे हिसाब से वहाँ पे मैदान लगी हुई है तो मैदान देखने जाएंगे। तो अभी क्या हो गया कि टाइम हो गया 3:30, 4:15, तो जो टाइम है वो लंच का है नहीं, तो ये कह रहे हैं कि कुछ छोटा मोटा स्नैक्स ही खा लेते हैं। तो हम चलते हैं खाना खजाना वाली साइड ही। मोटा होना चाहिए, ठीक है? हाँ छोटा लेकिन मोटा, मतलब समोसे की बात कर रहे हैं ये, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो पहले हमने सोचा समोसा यहाँ खा लेते हैं, लेकिन यहाँ से फिर वो एक गाना बन गया। फिर हमको वो याद आ गया जो हमने उस टाइम खाया था ना समोसा, पानी वाला सिर्फ, तो वो नहीं खाना है। इसलिए हम चलते हैं ले सिटी, वहाँ पे खाते हैं समोसा वगैरह, उसके बाद चलते हैं फिर मूवी देखने। आप देखते रहो, और विकास सर आंखें मार रहे हैं जो ये भी देखते रहो। और ये है जी राम स्वीट शॉप, स्काजलिंग में ही, खाना खजाना के बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे खाएंगे समोसे। तो ये आगे जी हमारे समोसे, और आप क्यों नहीं खा रहे? इनका नहीं है। और ये मशरूम सर, इनका फास्ट है। ये सिर्फ मेन्यू कार्ड देख रहे हैं। आप मेन्यू कार्ड खोल के बैठ जाओ, ठीक है? हम खाते हैं समोसे, उसके बाद चलते हैं मूवी देखने। आप देखते हैं। तो ये आगे जी हम छोटू महाराज सिनेमा, जहाँ पे उस दिन भी आए थे। अपने बंदे चले गए हैं सामने, ये पीछे आ रहे हैं मेरे विकास सर। मूवी लगी है भाई मैदान, तो चलते हैं हम अंदर। अपनी जगह पे खड़े रहो, हिलो मत, और नजरें इसके पैरों पे रखो। ये जिस तरफ ज्यादा झुकेगा उसकी उल्टी तरफ जाएगा, समझ में आया? जी साहब। चलिए चलिए, इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा घर है जहां मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरा घर जीने के लिए। भाई देखो रात को कितनी अच्छी लाइटिंग है इस थिएटर की, पूरा इग्लू टाइप बनाया हुआ है गोल। और ये अपने खोलो जनाब। तो जी चलो लेते हैं मूवी की रेटिंग लेते हैं सबसे, ठीक है? परिहार सर बहुत बढ़िया सर, रेटिंग दो 10 में से 10 मत दे देना, 9 है। अच्छा ठीक है। परिहार प्रभु सर 8, विकास सर 9.5, दो चीजों का बड़ा डाउट रहा मूवी में। एक, कम से कम 12 डब्बी सिगरेट पी गया अजय देवगन, ठीक है, पूरी फिल्म में इतने पी गया। और जब उसको कैंसर हुआ ना, जिस हिसाब की वो खांसी कर रहा था ना, कि जब ये आउट हुआ तभी क्यों पता चला, उससे पहले क्यों पता चला? जब इसको आउट कर दिया कोच से तभी इसको पता चला कि मुझे इलाज के लिए तभी गया, तभी जाके चेक कराया ना, उससे पहले चेक नहीं कराया। तो भाई ओवरऑल पता क्या, मूवी तो अच्छी थी लेकिन सिगरेट बहुत। मेरी रेटिंग भाई 10 में से 9, मूवी अच्छी थी। और लेकिन सही बताऊं, जो खांसी की उसने बड़ी गंदी हिसाब की खांसी, मतलब लग रहा था कि बंदा है टॉप क्लास एक्टर है, उसने बड़ा गंदा गंदा फेस बनाया। तो ओवरऑल वही मूवी थी अच्छी, लेकिन सिगरेट बहुत पी है भाई, उसने बहुत सिगरेट पी है, 10-12 डब्बी सिगरेट खत्म कर लिया। और अभी टाइम हो गया जी 7:45, और हमने सुना कि आज अजिंक्य रहाणे ओपनर आया था और आउट होके चले गया। तो अभी हम चल रहे हैं वापिस खाना बाजार में खाएंगे, क्योंकि लेट काफी हो गए हैं। खाना बाजार में खाएंगे खाना, और मेरे फोन की बैटरी है कम, इसलिए व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। संडे था ओवरऑल हमारा अच्छा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर एंड सी यू।